नेपाल के लुम्बिनी में रामकथावाचक संत मुरारी बापू ने टर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावितों के लिए 25 लाख रुपए की सहायता राशि भेजने की घोषणा की है। आपको बता दें कि भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में इन दिनों मुरारी बापू की रामकथा चल रही है और इसी दौरान बापू ने कहा कि टर्की और सीरिया में भूकंप ने जो तबाही मचाई है उसे देखकर सुनकर पूरा विश्व दुख का अनुभव कर रहा है। इसी के साथ मुरारी बापू ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए 25 लाख की सहायता राशि टर्की और सीरिया के लोगों के लिए भेजने का ऐलान किया है। हमारी तो बहुत तलगाजड़ी प्रवाही पवित्र परंपरा रही के अपनी क्षमता के अनुसार हम अपनी संवेदना प्रेषित करें। मैंने विदेश में रहते मेरी व्यास वाटिका के फ्लावर्सों को कहा कि आप जांच करें और टर्की के सीरिया के जो लोग वहाँ रहते हैं ब्रिटेन में या कहीं उसका संपर्क करें और उसको तत्कालीन रूप में किस प्रकार की हम सेवा कर सके और शीघ्र से शीघ्र आप इसमें कार्यरत हो जाओ। मुझे आज सुबह समाचार मिला कि बापू एक दो दिन में हम ये सेवा जहाँ जरूरी है जथा योग्य पहुँचा देंगे। तो मैं हमारे इस नेपाल देश में और इसमें भी भगवान तथागत की इस प्राकट्य भूमि पर कथा गा रहा हूँ, तब विशेष रूप में भगवान बुद्ध की करुणा के रूप में, यहाँ की करुणा के रूप में हम सब मिलकर वहाँ के लिए। मैंने फिर भी, मुझे बहुत संकोच होता है कि किसी राशि का संख्या बताना, लेकिन फिर भी हमने विनम्र सूचना दी है कि 25 लाख रुपये वहाँ भेज दिए जाएं।